ये खबर जयपुर से है, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स के निलंबन के विरोध में अन्य रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में गुस्साए रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से मास्क पहनकर एसएमएस अस्पताल के बाहर बकरा रैली निकाली गई। डॉक्टर्स का कहना है कि हमें बलि का बकरा बनाया गया है और साथ ही निलंबित किए गए डॉक्टर्स का निलंबन वापस लेने की मांग की गई है। और जयपुर के कामंठिया अस्पताल में महिला के प्रसव के दौरान लापरवाही के आरोप में 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को सस्पेंड के विरोध में अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। अस्पताल में मरीज को इलाज का जिम्मा सीनियर डॉक्टर्स ने संभाल रखा है, जहां पर अवकाश के दिन भी सभी सीनियर डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक ने कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए सभी सीनियर डॉक्टर की बैठक की गई है और सभी विभाग के अध्यक्ष को अपनी टीम के साथ ओपीडी और वार्ड में इंतजाम संभालने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं रविवार के दिन भी सीनियर डॉक्टर्स मरीज का इलाज करते हुए नजर आए। दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के रेजिडेंट ने कांवटिया अस्पताल के 3 रेजिडेंट का निलंबन रद्द करने की मांग की है। इस मांग को लेकर 6 दिनों से सामूहिक कार्य बहिष्कार पर हड़ताल किया जा रहा है। रेजिडेंटों की मांग है कि 3 रेजिडेंट पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए निलंबन कर दिया गया है, जो कि गलत है। जब तक निलंबन की कार्रवाई वापस नहीं ली जाती है, तब तक रेजिडेंट चिकित्सकों की हड़ताल जारी रहेगी। रेजिडेंट चिकित्सकों की हड़ताल के चलते कहीं ना कहीं अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। और ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ संवाददाता सोमू आनंद लाइव जुड़ गए हैं। सोमू, देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं, लगातार यही मांग है कि कार्रवाई को वापस लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से देखिए, पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वे इलाज करते हैं मरीजों का, और उनके हड़ताल पर जाने के बाद से स्थितियां जो है वो बिल्कुल अलग हो गई हैं। और इस बीच में जो UDFA एक डॉक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर 48 घंटे के अंदर जो निलंबन का आदेश है वह वापस नहीं लिया गया तो देशव्यापी प्रदर्शन होगा। जाहिर तौर पे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं कि निलंबन वापस हो, क्योंकि उनका ये आरोप है कि हर बार हमें बलि का बकरा बना दिया जाता है, क्योंकि कार्रवाई जो है वो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन पर होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन पर होनी चाहिए, लेकिन हम पर कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर ली जाती है और इसका खामियाजा हमें भुगतना होता है। इसलिए लगातार वे निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि कब तक उनका निलंबन वापस होता है और कब से सारी व्यवस्था जो है वो पटरी पर आ पाती है। बिल्कुल सोमू, देखिए, अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से, और कितना वक्त हुआ प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर्स को, और क्या कुछ आश्वासन अब तक उन्हें मिल पाया है कुछ कार्रवाई को लेकर? जी देखिए, अभी एक सप्ताह से अधिक का वक्त होने चला है जब इनका ये प्रदर्शन जारी है, और इस बीच में लगातार अलग अलग जगहों पे प्रशासनिक अधिकारियों से, जो स्वास्थ्य विभाग के हैं, जो कॉलेज के हैं, उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन उस बातचीत में कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। जयपुर में जो रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मुलाकात और उनकी बातचीत SMS जो कॉलेज है उसके प्रिंसिपल से भी हुई, लेकिन वहाँ भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया। लगातार वे एक ही मांग कर रहे हैं कि जिन डॉक्टर को निलंबित किया गया है, रेजिडेंट डॉक्टरों को कांवटिया अस्पताल में जो प्रसव हुआ था बाहर में उसके आरोप में, तो उनका निलंबन वापस हो, क्योंकि उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। तो बस एक ही मांग है, अब जब तक वो मांग पूरी नहीं होती है तब तक वे अपना प्रदर्शन जो है वो समाप्त नहीं करेंगे, ऐसा रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है। वहीं पर जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो इस बात की कोशिश में है कि किसी तरह से रेजिडेंट डॉक्टरों को मना लिया जाए, ताकि जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। बिल्कुल ठीक है सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भरतपुर में कामा की ग्राम पंचायत दिलावाटी में कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज पेश कर जमीन को अपने नाम कर बेच दिया है। असली जमीन मालिक की मृत्यु होने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ कोई संतान नहीं होने का हवाला देते हुए जमीन को अपने नाम पर कर लिया गया, जबकि जमीन के असली मालिक की पत्नी और बच्चे दोनों जीवित हैं। पीड़ित ने गांव के सरपंच के साथ पटवारियों पर फर्जीवाड़े में शामिल होने का आरोप लगाया है। पीड़ित मां और बेटे ने कामा थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उधर सरपंच प्रतिनिधि किशोर पर आरोप है कि कोर्ट में राजीनामा का दबाव बनता है, वहीं राजीनामा से इनकार पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। कामा तहसीलदार ने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल की जाएगी, जो भी शख्स दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
जी मेरी जमीन थी वो जमीन हत्याली मेरी और मतलब वो मारने की धमकी दे रहा। पापा था मेरा, पापा लावारिस करवा दे गया। जो अब सरपंच है, जो सरपंच ताऊ का लड़का आरिफ तो फैल राहिल मोमली इन सब ने मिलकर संग फ्रॉड करा है तो कागजों में तुम्हें मारते, मेरे को जिंदा ही मार दिया उनने तो मार। अब ये बोलते मतलब तो राजीनामा कर ले, राजीनामा नहीं तो तेरे को खेत भी नहीं देंगे, तेरे को जान से मार देंगे जैसे तेरा पापा मारा था हमने। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? इन्हें डटर ना दी, मेरे छोटा सा लालम में लेके चली गई, मारे पीटे हम बहन ना दी मैं आवे ही मैं देवर सब चढ़ जावे मैं मार लू और मन के बिगाड़ दियो। अब क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब केस गिर दियो हमने, वो सरपंच फिर आप किस वापस ले रही हैं? नहीं ले रही मैं तो, धमकी दे रहे हैं। क्या केस लड़ेगी तो तुम मारूंगा धम करूंगा। मतलब पुलवामा का मामला अभी पत्रिका के माध्यम से हमारे संज्ञान में है, हम इसकी जांच करवाएंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ जो भी हमसे हो सकेगा विभाग की जांच भी करवाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, जैसी भी है ना उचित कार्रवाई करेंगे। बाकी इसमें जैसा संज्ञान में आया है मामला गंभीर प्रकृति का है, किसी भी अगर खातेदार का नाम छोड़ा गया है वो उसके अधिकार पे धरवा हुआ है तो गंभीरता को देखते हुए हम मामले की जांच करेंगे। भीलवाड़ा में विधानसभा चुनाव से शुरू हुए मतभेद थमने का नाम नहीं ले रहा है। निर्दलीय विधायक कोठारी समर्थक और पूर्व विधायक बिठल शंकर अवस्थी के समर्थक आपस में उलझ गए। कार्यकर्ता सम्मेलन झगड़े का अखाड़ा बन गया। इस दौरान मंच से अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाने लगा लेकिन कार्यकर्ताओं का झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों नेताओं के समर्थकों ने हाथों में कुर्सियां उठा ली। बताया जा रहा है कि सम्मेलन में कोठारी समर्थकों के अपशब्द बोलने पर हंगामा हो गया। उधर बंद हॉल में झगड़े का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। खबर श्रीगंगानगर से है जहां पर पदमपुर में अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई और इस हादसे में बस में सवार करीब 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बस ड्राइवर फरार हो गया। सूचना पर सीओ संजीव चौहान घटनास्थल पर पहुंचे। सभी घायलों को घुमड़ी वाली बजिया बायला सीएचसी में प्राथमिक उपचार के लिए भिजवाया गया और 6 लोगों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया। बता दें कि बस केसर सिंहपुर से लालपुरा स्थित डेरे में जा रही थी। जयपुर पुलिस ने फरवरी के महीने में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। दरअसल धौलपुर निवासी मजीद खान जयपुर में रहकर ऑटो चलाते थे और 5 फरवरी की रात बदमाशों ने उन्हें सिंधी कैंप बस स्टैंड से के पास रोका और उसमें सवार हुए और लूट के इरादे से ऑटो चालक को बदमाश ईदगाह तक लेकर गए। ईदगाह के पास खड़ी एक बस की आड़ में उससे पैसे मोबाइल फोन छीनकर बदमाश भागने लगे। इतने में ऑटो चालक ने विरोध शुरू कर दिया जिसके बाद बदमाशों ने ऑटो चालक को बुरी तरह पीटा और इतनी जोर से गला दबाया कि उसकी मृत्यु हो गई। शिकायत मिलने के बाद गलता गेट SHO लिखाराम के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच में पुलिस जुट गई और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपी मोहम्मद बाबुल, यूसुफ कुरैशी उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। तीसरा आरोपी बाल सुधार गृह में बंद है। खबर फतेहपुर शेखावाटी के आशीर्वाद चौराहे की है जहां ट्रक और गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भिड़ंत के दौरान आग लग गई और 7 लोग जिंदा जल गए। जलने वालों में 2 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। दमकल की टीम आग बुझाने का काम कर रही है और पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके की लैंडमार्क सिटी में एक हॉस्टल में भीषण आग लग गई। सूचना पर अग्निशमन विभाग के दमकल और पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और हॉस्टल में रह रहे कोचिंग छात्रों को बाहर निकाला गया। लैंडमार्क सिटी के हॉस्टल से धुआं निकलते देख लोगों ने प्रशासन और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस उप अधीक्षक राजेश सोनी ने कुन्हाड़ी थाने का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचकर छात्रों को बाहर निकाला। आग इतनी तेजी से फैली कि हॉस्टल का सारा सामान जल गया। घटना में 7 छात्र झुलसने पर उन्हें अस्पताल भेजा गया था जिनमें से 3 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां रणथंभौर के जंगल में पेट्रोलिंग पर गया एक होमगार्ड टाइगर के सामने जंगल में नीचे उतर गया। इतना ही नहीं, होमगार्ड ने टाइगर के ऊपर राइफल तान दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान होमगार्ड शराब के नशे में था और नशे में धुत होमगार्ड ने जंगल के सारे नियम कानून को ताक पर रखते हुए शर्मसार करने वाली हरकत की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस घटना को लेकर वन विभाग की ओर से कुछ भी नहीं कहा जा रहा। वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस घटना को लेकर कुछ कहने से बचते हुए नजर आए और कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, चित्तौड़गढ़ से रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार हुआ है। एसीबी ने गिरफ्तार किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पटवारी, पुलिस के गिरफ्त में। ये बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रिश्वत लेते हुए पटवारी को धर दबोचा गया है। एसीबी ने गिरफ्तार किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पटवारी, गिरफ्तार हुआ है। तो ये बड़ी खबर है चित्तौड़गढ़ से, जहां रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया है एसीबी की टीम ने। ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आपको बता दें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पटवारी गिरफ्तार हुआ है। तो एसीबी की ये कार्रवाई, जहां एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते आगे और झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक सवारों के पास से मिले हैं 8 लाख रुपए कैश। कैश और बाइक को जब्त किया गया है। माधोपुर निवासी हैं दोनों लोग। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई। तो ये बड़ी खबर झालावाड़ से है, बाइक सवारों के पास से 8 लाख रुपए कैश मिले हैं। कैश और बाइक को जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि माधोपुर के निवासी हैं ये दोनों शख्स, जिनसे पूछताछ के बाद संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए, इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बाइक सवार युवकों के पास से 8 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी झालावाड़ से, जहां बाइक सवारों के पास से 8 लाख रुपए कैश मिले हैं। बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, कैश और बाइक को जब्त कर लिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि माधोपुर के निवासी हैं दोनों शख्स। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरा राष्ट्र आज उन्हें नमन कर रहा है। बीकानेर में भी इस मौके पर दलित संगठनों में दोपहर में रैली निकाली और अंबेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस उम्मीदवार गोविंद राम मेघवाल ने भी बाबा साहब की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्थानीय रेलवे स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समारोह आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नगर निगम सुशीला कंवर, राजपुरोहित, शहर भाजपा अध्यक्ष विजय आचार्य, वरिष्ठ नेता गुमान सिंह, राजपुरोहित मौजूद रहे। इस अवसर पर खास बात यह रही कि अर्जुन राम मेघवाल की पत्नी पाना देवी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अजमेर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ विभिन्न संगठनों ने अंबेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया। कांग्रेस, बीजेपी, लोकसभा प्रत्याशी सहित राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और विधायकों ने अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती डीडवाना में भी मनाई गई। इस मौके पर दलित संगठनों की ओर से शहर में भव्य रैली भी निकाली गई और बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि ये रैली पंडित बच्छराज व्यास विद्यालय से रवाना हुई, जो अंबेडकर सर्कल तक चली। रैली का नागौरी गेट के पास आरएसएस के अनुशंसित संगठनों की तरफ से फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भी हिस्सा लिया और युवाओं ने हाथों में नीले झंडे लेकर और बाबा साहेब अमर रहें और जय भीम के नारे लगाए। वहीं इस दौरान स्वामी ओमदास महाराज ने कहा, इतिहास साक्षी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने विषम परिस्थितियों में भारतीय संविधान का निर्माण किया। उन्होंने जाति पाति, छूत अछूत, ऊंच नीच आदि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाई।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर भीम सेना की ओर से सीकर शहर के खटीकान मोहल्ले से अम्बेडकर सर्किल तक समता रैली का आयोजन किया गया। समता रैली में सैकड़ों की संख्या में युवाओं और महिलाओं ने और शहर के प्रबुद्ध जनों ने हिस्सा लिया और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और समाज की प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। इस सम्मान समारोह के दौरान मौजूद लोगों को मुख्य अतिथियों की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष और निर्भीक होकर शत प्रतिशत मतदान करने की शपथ दिलाई गई।